हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिट्राई काउंट क्या होता है, हम लोग इसका प्रैक्टिकल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेनली जनरली क्या होता है, मान लीजिए आप कोई जॉब का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आप गिटहब का कोई रिपोजिटरी का यूआरएल दिए, अगर मान लीजिए कोई ऑथेंटिक कोई यूआरएल दिया, कुछ गलत हो गया, मान लीजिए आप आपका पासवर्ड गलत दिए हैं आप, या कुछ आप अपने यूआरएल गलत दिए हैं, मतलब कुछ गलत हो गया कॉन्फ़िगर करते समय जॉब, तो क्या करता है जेनकिंस, क्या करता है, एक रिट्राई करता है कि मतलब एक बार रिट्राई करता है फेच करने के लिए, मतलब ये सही है कि नहीं। अगर एक बार वो वैलिडेट किया, अगर वो यूआरएल या कुछ गलत हुआ वो फेच नहीं कर पाया है डिपोजिटरी में जो फाइल और फोल्डर रखा हुआ है, तो जॉब फेल हो जाएगा। तो बेसिकली आप रिट्राई काउंट की वजह से क्या करते हैं, जेनकिंस को बोलते हैं कि आप एक बार रिट्राई में फेल हुए तो दो बार रिट्राई कीजिए। जैसे मान लीजिए रिट्राई काउंट का मन नंबर 3 दिया, तो जेनकिंस उसको 3 बार रिट्राई करेगा। अगर तीनों बार वो फेल होगा, तो तीनों बार वो एक्सेस नहीं कर पाएगा रिपोजिटरी को, तब उस केस में क्या होगा, जेनकिंस का जॉब फेल होगा। वरना जेनकिंस अगर एक बार फेल होने के बाद दूसरी बार रिट्राई करेगा, दूसरी बार के बाद तीसरी बार रिट्राई करेगा, जितना भी आप रिट्राई काउंट दीजिएगा उतना बार जेनकिंस क्या करेगा, रिट्राई करेगा उसको रिपोजिटरी को फेच करने के लिए। अगर वो 3 बार में भी रिट्राई नहीं कर सका, मतलब जितना बार आप रिपोजिटरी काउंट का नंबर है उतना बार में वो रिट्राई नहीं कर सका, तब जॉब फेल कर जाएगा। तो कैसे हम लोग रिट्राई काउंट सेट करते हैं किसी जॉब का, चले जानते हैं। और एक बात बता देता हूं मैं आप लोग को, रिट्राई काउंट ग्लोबल बेसिस पे भी सेट होता है और पर जॉब बेसिस पे भी सेट होता है। ग्लोबल बेसिस मतलब आप हर एक जॉब के लिए एक रिट्राई काउंट सेट कर सकते हैं, मतलब हर एक जॉब के लिए आप सेट कर सकते हैं कि 2 बार रिट्राई काउंट करें। वहीं आप पर जॉब बेसिस भी कर सकते हैं कि एक जॉब, मतलब जैसे J1 मेरा जॉब है तो J1 के लिए अलग रिट्राई काउंट, J2 के लिए अलग रिट्राई काउंट, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से सेट करने बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक जॉब क्रिएट करता हूँ यहाँ पे रिट्राई काउंट का, और इसका मैं नाम दे देता हूँ रिट्राई, ठीक है। और उसके बाद फ्री स्टाइल अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। हम लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मैं एक URL कॉपी करता हूँ, और मैं जानबूझ के क्या करता हूँ यहाँ पे URL गलत देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे URL हम लोग गलत देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, URL में कुछ हम लोग गलत कर देते हैं, और यहाँ पे क्रेडेंशियल हम लोग दे देते हैं अपना, ठीक है, क्रेडेंशियल दे देते हैं। ये तो अभी यहीं पे बता रहा है कि ये गलत है, पर अभी चलिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहीं पे करते हैं, मतलब चेक करते हैं। तो रिट्राई काउंट का वैल्यू अगर आपको सेट करना है, तो आप अगर ये नया कुछ मेरा डैशबोर्ड का मतलब लुक एंड फील्ड है, क्योंकि जो पुराना लुक एंड फील्ड था उसमें ये एडवांस सेक्शन नहीं था, सब एक ही जनरल सेक्शन में आते थे, और यहाँ पे अभी कोई एडवांस सेक्शन के अंदर ये रिट्राई काउंट का यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये कुछ लुक एंड फील्ड में चेंज है, बाकी सबका काम एक ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिट्राई काउंट का वैल्यू अभी बाई डिफॉल्ट 0 है, इसको मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 बार रिट्राई करेगा कम से कम। ऐसा भी मैं पर जॉब बेसिस बता रहा हूँ, बाद में मैं ग्लोबल बेसिस बताऊंगा ग्लोबल बेसिस पे कैसे करते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसोल देखेंगे। यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका कंसोल हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको पता चलेगा कितना बार रिट्राई हुआ है। ये जॉब का मैंने खोला, कंसोल खोला, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए पहली बार ये किया, ये पहली बार ये चला, यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर इतना बता दिया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फिर रिट्राई, दूसरी बार रिट्राई किया, फिर यहाँ पे रिट्राई किया, ये फिर से रिट्राई किया, उसके बाद यहाँ पे फिर इसको, फिर यहाँ पे फेल होगा, फिर फेल होगा यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन रिमूव हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ देखिए, फिर दूसरी बार ये रिट्राई किया यहाँ पे। उसी तरह फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे 2 रिट्राई काउंट हम लोग ने दिया था, तो ये 2 बार रिट्राई किया है। जितना रिट्राई काउंट दीजिएगा उतना बार ये रिट्राई करेगा, यही रिट्राई काउंट का मतलब होता है, ऐसा ही हम लोग रिट्राई काउंट का यूज करते हैं। अब मैं ग्लोबल बेसिस पे बताता हूँ रिट्राई काउंट कैसे देते हैं। मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको मैनेज जेनकिंस पे जाना है, मैनेज जेनकिंस पे जाके कॉन्फिगर सिस्टम पे जाना है, ठीक है, कॉन्फिगर सिस्टम पे जाना है। ये लोड हो रहा है, लोड होगा। यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटर पर जॉब बेसिस चेंज करना सीखे थे, यहाँ से भी आप एग्जीक्यूटर का नंबर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप ग्लोबल रिट्राई काउंट दे सकते हैं। मैं यहाँ ग्लोबल रिट्राई काउंट 2 दे देता हूँ, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, तो ग्लोबल रिट्राई काउंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई जॉब के लिए ग्लोबल रिट्राई काउंट भी सेट है और जॉब का अपना भी रिट्राई काउंट सेट है, तो उस केस में जो जॉब का अपना रिट्राई काउंट रहेगा उसी को जॉब मानेगा। रिट्राई काउंट आप लोग को मेरे तो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।